हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन फ्री स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में वीकली करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जुलाई फोर्थ वीक के, जो कि सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहेंगे। 16 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक जो भी करंट अफेयर्स है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जिस भी एग्जाम्स में करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उस क्वेश्चन के लिए ये वीडियो आपको देखना जरूरी है। मैंने इस वीडियो में लगभग 20 क्वेश्चंस लिए हैं, जो कि सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, और कुछ क्वेश्चंस मैंने इसमें फीफा वर्ल्ड कप से भी लिए हैं, जो कि आने वाले एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मध्य एक वार्ता होने वाली है, पूछा है वह कहाँ पे होने वाली है। ठीक है, तो वह कहाँ पे होने वाली है, देखिए तो अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है, डोनाल्ड ट्रंप, और रूस के राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, उनके जो बीच वार्ता होगी, उनके बीच जो मीटिंग होगी वह होगी फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। कहाँ पर, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में उनकी मीटिंग होगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, नवाज शरीफ की बेटी का क्या नाम है, जिन्हें हाल ही में पाकिस्तान की सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है। ठीक है, तो देखिए आपने बहुत सुना होगा नवाज शरीफ के बारे में, क्योंकि देखिए ये पहले जो थे बहुत सारे न्यूज़ में आए हुए थे, छाए रहते थे, क्योंकि देखिए ये बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करते रहते थे, जो मतलब ऐसे एक्टिविटी जो न्यूज़ में आते रहते थे। ठीक है, एक्चुअल में क्या है, ये क्वेश्चन बेस्ड है नवाज शरीफ के ऊपर मैक्सिमम। देखिए नवाज शरीफ जो था वो करप्शन के अकॉर्डिंग उन्होंने पाकिस्तान ने उन्हें मतलब जेल कर दिया है, गवर्नमेंट सरकार उनकी सरकार ने, और इनको बैन कर दिया गया है, हमेशा के लिए बैन कर दिया गया है कि ये अब कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। ठीक है, तो इनकी बेटी का नाम पूछा है, तो इनकी बेटी का नाम है मरियम शरीफ। इनकी बेटी का नाम क्या है, मरियम शरीफ। ठीक है, और जो मरियम शरीफ थी, इन्होंने कोई भी जेल की जो कोई भी जो सुविधा है वह लेने से इनकार कर दिया, और इनको इनके पिता के साथ में मतलब नवाज शरीफ और इनकी बेटी यानी मरियम को, दोनों को एक साथ सजा सुनाई गई है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन जो रिलेटेड है वो रिजर्व मगरमच्छों से रिजर्व, देखिए जैसे कि अब टाइगर रिजर्व रहता है, वैसे ही मगरमच्छ रिजर्व एक जगह पे था, वहां पर किसी व्यक्ति को मगरमच्छ ने काट लिया। क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ते हैं पहले। एक व्यक्ति को मगरमच्छ द्वारा काटे जाने से हुई मौत का बदला लेने के लिए किस देश में लोगों ने 300 यानी 300 मगरमच्छों को मार डाला। ठीक है, तो वह कौन सा देश है, वह देखते हैं। देखिए तो वह देश है इंडोनेशिया। कौन सा देश है, इंडोनेशिया में 300 मगरमच्छों को मार दिया। ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए ये रिजर्व था, वहाँ पर मगरमच्छों के लिए रिजर्व जगह थी, वहाँ पर एक व्यक्ति व्यक्ति को मगरमच्छ ने काट लिया और वह मर गया। तो इससे क्या हो, जो गांव की जो जनता थी वहां पे उन्होंने बहुत सारे मगरमच्छों को मार दिया, लगभग 300 मगरमच्छों को मार दिया। ठीक है, तो देखिए क्या थे जगह का नाम, इंडोनेशिया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि लड़कियों को नहीं पढ़ाने से हर साल विश्व को 30 लाख करोड़ डॉलर का नुकसान होता है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि देखिए इसमें क्या कहा गया है, लड़कियों के ना पढ़ने से 30 लाख करोड़ डॉलर का नुकसान होता है पूरे विश्व को। तो देखिए ये कौन सी संस्था है, ये है विश्व बैंक द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में, लड़कियों को नहीं पढ़ाने से हर साल विश्व को 30 लाख करोड़ का नुकसान होता है। कौन सा संस्था है, विश्व बैंक। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस कलाकार को संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। कैसे, किस कलाकार को संगीत काल निधि पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए पढ़ते हैं, जानते हैं किस कलाकार को किया गया है, यह गायिका, कौन, गायिका अरुणा साईराम को, किसको, जो गायक ही है अरुणा साईराम को, जो गायक हैं अरुणा साईराम को इस वर्ष संगीत अकादमी के संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका नाम है अरुणा साईराम को। ठीक है, ओके, इनको कौन सा पुरस्कार देने के लिए चयनित किया गया है, ये अरुणा साईराम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, फोक्स द्वारा जारी
सर्वाधिक कमाई वाली हस्तियों की सूची में शीर्ष पर किसका नाम है? फोर्स एक देखिए फोर्स एक देखिए फोर्स ने एक न्यूज़ जारी की है जिसमें बोला है कि 100 हस्तियों में से कौन है शीर्ष पर जो सर्वाधिक कमाई करने वाला व्यक्ति है। ठीक है, तो देखिए सर्वाधिक कमाई करने वाली 100 हस्तियों में हस्ती जो है 2018 की फोर्ब्स की एक सूची में अमेरिका के मुक्केबाज जो अमेरिका के मुक्केबाज हैं क्या नाम है इनका फ्लॉयड क्या नाम है फ्लॉयड फ्लॉयड मेवेदर क्या है फ्लॉयड मेवेदर करीब 1951 करोड़ रुपए के साथ शीर्ष पर हैं। इनका नाम है अमेरिका के मुक्केबाज हैं फ्लॉयड फ्लॉयड मेवेदर क्या नाम है फ्लॉयड मेवेदर और इनकी संपत्ति है करीब 1991 करोड़। ठीक है, मतलब सर्वाधिक कमाई करने वाले व्यक्ति हैं, सर्वाधिक अगर देखा जाए तो विश्व में सर्वाधिक पैसे अमीर व्यक्ति जो है वो जेफ बेसोस हैं जो कि अमेजोन के मालिक हैं। ठीक है, ओके, देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, चीन ने हाल ही में भारत के किस राज्य के नज़दीक अपना एक मानव रहित मौसम जानकारी केंद्र स्थापित किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कीजिए, कैसे चीन ने एक भारत के एक नज़दीक मानव रहित मौसम का एक सेंटर जो है जानकारी जो केंद्र है वह स्थापित किया है, तो वह किस राज्य के या किस सीमा के पास में किया है? तो वह जानते हैं चीन ने हाल ही में भारत के अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के नज़दीक अपना एक मानव रहित मौसम केंद्र स्थापित किया है। प्रदेश का नाम है अरुणाचल प्रदेश के नज़दीक, ठीक है, एक मानव रहित केंद्र स्थापित किया है, ठीक है, मौसम केंद्र है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए फोर्ब्स से जो क्वेश्चन है 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे, तो देखिए हम एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। फोर्ब्स पत्रिका द्वारा हाल ही में जारी की गई सबसे अधिक कमाई करने वाले कलाकारों की सूची में किन दो भारतीय कलाकारों को स्थान हासिल हुआ है? ठीक है, मतलब भारत के जो सबसे ज्यादा कमाई करने वाले दो कलाकारों को इसमें सूची में नाम मिला है, ठीक है, जगह मिली है, तो वे कौन कौन से हैं? तो देखिए पहले हैं 100 जो हस्तियां होती हैं उस सूची में बॉलीवुड के दो अभिनेताओं को जगह मिली है, पहले हैं अक्षय कुमार और दूसरे हैं सलमान खान। ठीक है, याद रखिएगा फोर्ब्स पत्रिका में जो अब जो जो कलाकार हैं उनमें बॉलीवुड के दो कलाकार को जगह मिली है, पहले अक्षय कुमार और दूसरे हैं सलमान खान। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा हेरिटेज कैबिनेट की स्थापना की गई? हेरिटेज कैबिनेट की स्थापना किस सरकार के द्वारा की गई? अगर ऐसे क्वेश्चन भी आया तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो देखिए पढ़ते हैं यह किसने किया। देखो देखिए उड़ीसा सरकार द्वारा राज्य के ऐतिहासिक अवशेषों और स्मारकों के संरक्षण के लिए तथा समृद्ध संस्कृति और भाषा का के प्रयास के लिए हेरिटेज कैबिनेट का गठन किया गया। तो देखिए हेरिटेज कैबिनेट का गठन इसलिए किया गया है कि वहाँ पर जो मतलब जो अवशेष होते हैं जो स्मारक होते हैं और जो संस्कृति हमारी है उसको बचाने के लिए उसको 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 सही रखने के लिए कैबिनेट का गठन किया गया है। तो किसने किया है? वो किया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित मोटर वाहन नियमों में संशोधन के तहत निम्नलिखित में से किस दस्तावेज को डिजिटल प्रारूप दिया जा सकता है? देखिए केंद्र सरकार ने एक एक नियम अभी लागू करने वाले हैं जिसमें मोटर व्हीकल आते हैं उनमें जो दस्तावेज होता है वह डिजिटल हो जाएगा, डिजिटल प्रारूप हो जाएगा उसका। ठीक है, तो वह कौन सा दस्तावेज है वो जानते हैं। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित मोटर वाहन नियमों में संशोधन के तहत ड्राइविंग लाइसेंस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, जब भी आप ड्राइविंग करते तो ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस को डिजिटल प्रारूप दिया जा सकता है। अभी दिया नहीं गया है इसको बोला है दिया जा सकता है, क्या है ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्र मंत्रिमंडल ने पारंपरिक औषधिक व्यवस्था एवं होम्योपैथिक के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के मध्य हुए MOU को मंजूरी दी है? ठीक है, ओके, तो केंद्र सरकार जो केंद्र मंत्रिमंडल है
ने पारंपरिक औषधि व्यवहार एवं होम्योपैथिक के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और क्यूबा किसको दिया? भारत और क्यूबा के मध्य एक एमओयू की मंजूरी प्रदान की है। देखिए जो भी एमओयू होते हैं नए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि एग्जाम्स में आने की चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो किसके बीच किए हैं? औषधि और होम्योपैथिक के जो जो एमओयू किसके बीच में किया है, वो किया है क्यूबा और भारत ने। ओके ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर कितने वर्षीय महिला कैदियों को 50% वास्तविक सजा पूरी होने पर विशेष माफी दी जाने की को मंजूरी प्रदान की गई है? देखिए इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए क्योंकि ये आने की चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि जो भी महात्मा गांधी से क्वेश्चन रिलेटेड होता है वह आता है। ठीक है, तो देखिए इसमें इसका आंसर है, महिला कैदी जिसकी आयु 55 वर्ष या इससे अधिक और जिससे अपनी जिस और जिसने अपनी 50% वास्तविक सजा, क्या हो गई 50% यानी 50% वास्तविक सजा अवधि पूरी कर ली हो, उसे विशेष माफी दी जाएगी यानी कि रिहा कर दिया जाएगा। कब कर दिया जाएगा? 150वीं जयंती पर, महात्मा गांधी की 150 जयंती पर इनको सजा मुफ्त कर दिया जाएगा यानी कि रिहा कर दिया जाएगा। 55 साल या इससे अधिक की जो महिला हैं उनको, और जिन्होंने 50% अपनी जो सजा है यानी वास्तविक सजा है वो कंप्लीट कर ली हो। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के लिए जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने के लिए स्वीकृति प्रदान की है। तो देखिए एक तो मेडिकल कॉलेज बहुत कम खुलते हैं, जब खुलते हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि मेडिकल कॉलेज जो है उत्तर प्रदेश में वैसे भी कम है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से ये रिलेटेड क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में जो मेडिकल कॉलेज है वह कहाँ पर खुलेगा, से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने केंद्रीय परियोजना के चरण सेकंड के अंतर्गत 250 करोड़ रुपए की लागत से देवरिया, यहाँ पर इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, देवरिया में नया मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। कहाँ पर? 250 करोड़ आपको देखिए इसमें लागत लगेगी और यह मेडिकल कॉलेज बनेगा देवरिया में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये अगला क्वेश्चन हमारा, यूरोपियन यूनियन ने हाल ही में किस सर्च इंजन पर $5 बिलियन का जुर्माना लगाया जाने की घोषणा की है? सर्च इंजन यानी कि गूगल जैसे कि सर्च इंजन रहते हैं उन पर यूरोपियन यूनियन ने जुर्माना लगाया, वो भी $5 मिलियन का, बहुत बड़ा जुर्माना होता है। तो देखिए देख लेते हैं किस पे लगाया। यूरोपियन संघ ने 18 जुलाई 2018 को यह घोषणा की गई है कि गूगल द्वारा अपने वर्चस्व को गलत फायदा उठाया गया जिसके कारण गूगल पर $5 बिलियन का भारी भरकम जुर्माना लगाया गया। भाई किस पर लगाया गया है? गूगल पर लगाया गया। कितना लगाया गया? $5 बिलियन। और किसने लगाया? यूरोपियन यूनियन संघ ने। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने 2 साल बाद आपातकाल हटाए जाने की घोषणा की है? देखिए आपातकाल की जो घोषणा की है, 2 साल बाद आपातकाल हटा लिया गया है, तो वह कौन सा देश है? इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 साल बहुत होता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए तुर्की में जुलाई 2018 को राष्ट्रव्यापी आपात स्थिति को समाप्त कर दिया गया है। 2 वर्ष पहले तख्ता पलट की नाकाम कोशिश के बाद आपात स्थिति लगाई गई थी। ठीक है, तो देखिए तुर्की वह देश है जिसने 2 साल बाद आपातकाल की स्थिति को हटा लिया गया है। आपातकाल क्यों लगा था? राष्ट्रव्यापी जो भी उनके कारण थे, राष्ट्रव्यापी के कारण किया गया था, जो कि जिन्होंने मतलब 2 साल मतलब जो क्या होता है कि सरकार को हटाने के लिए उन्होंने, जब सरकार हटाने के लिए कोई आंदोलन किया था तब ये लगाया गया था। ठीक है, ओके, ये देखिए अभी तो हमारे ये करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे जो देखिए थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे
फीफा वर्ल्ड कप के बारे में बता दूं मैं आपको, मैंने फीफा वर्ल्ड कप के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुका हूं। तो अगर आपको क्वेश्चन इससे बन रहे हैं और अगर ना नहीं बने तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए पहला क्वेश्चन है फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता, फीफा वर्ल्ड कप में रनर टीम कौन सी रही, थर्ड टीम कौन सी रही और फोर्थ टीम कौन सी रही। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह किसी ना किसी एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा। तो पहली टीम जो है चैंपियन टीम है वो फ्रांस टीम है, सेकंड टीम यानी उप विजेता क्रोएशिया है, थर्ड प्लेस पर रही है वो बेल्जियम है, सबसे ज़्यादा गोल भी बेल्जियम ने ही किए हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा इस चीज़ को कि बेल्जियम ने ही सबसे ज़्यादा गोल किए हैं, ठीक है 2018 में, ठीक है। और फोर्थ प्लेस पर रही है इंग्लैंड टीम, फोर्थ प्लेस पर कौन सी टीम है, इंग्लैंड टीम है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। वर्ल्ड कप 2018 में एक ही खेल हुआ था जिसमें कोई भी गोल नहीं हुआ, वह कौन सी दो टीम है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ही खेल हुआ था जिसमें कोई भी गोल नहीं हुआ था, तो वह कौन कौन सी दो टीम थी, डेनमार्क और फ्रांस, दोनों के बीच कोई भी गोल नहीं हुआ था और 0-0 से जो मैच था वो ड्रॉ हो गया था, ठीक है ओके। तो अगला क्वेश्चन है जो गोल्डन बूट, देखिए जो गोल्डन बूट किसको मिला, ठीक है गोल्डन बूट किसको मिला, यह एक अवार्ड है फीफा वर्ल्ड कप का। तो देखिए देखिए गोल्डन बूट मिला हैंडी केन को, ठीक है 6 गोल के लिए, ये इन्होंने 6 गोल किए थे और ये खिलाड़ी हैं इंग्लैंड के, किसके खिलाड़ी हैं, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं हैरी केन, ठीक है गोल्डन बूट इनको मिला हुआ है। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा इस वाले क्वेश्चन को, फीफा वर्ल्ड कप का शुभांकर क्या है या मैस्कॉट क्या है। तो मैस्कॉट है जीवा, सॉरी जबीबका, क्या नाम है इसका, जबीबका, ठीक है जबीबका एक लोमड़ी का, जबीबका एक लोमड़ी की शक्ल है और जबीबका का मीन्स होता है स्कोरर, मतलब स्कोर करना, ठीक है यह इस टाइप का दिखता है जो कि आपका लेफ्ट हैंड पे दिख रहा है, सॉरी राइट हैंड पे दिख रहा है ओके। ठीक है, देखिए सारे क्वेश्चन हमने अभी पढ़ लिए जो भी फीफा वर्ल्ड कप से थे, वो सारे क्वेश्चन हमने देख लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे और भी वीडियो आपको मिलती रहेंगी, और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो में क्या और इम्प्रूवमेंट चाहिए, ठीक है तो हम और भी इम्प्रूवमेंट करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो को आप शेयर करना चाहते हैं किसी और के साथ और किसी को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में, तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं ओके फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।